नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है विजयपथ यूट्यूब चैनल पर। मैं कुलदीप पानू। इस वीडियो में दोस्तों हम लोग स्टडी करेंगे बौद्ध धर्म के विषय में। वहाँ से बार बार बहुत ज़्यादा क्वेश्चन हमारे यहाँ पर देखने को मिलते हैं हरियाणा जीके के लिए। उनमें ऑब्जर्व करेंगे कैसे क्वेश्चन बार बार एग्जाम में बन जाते हैं बौद्ध धर्म के ऊपर। जैसे कि बौद्ध धर्म के संस्थापक, बौद्ध धर्म के उत्थान का कारण, बौद्ध धर्म में महात्मा बुद्ध के विषय में, उनके जीवन की घटनाएं, उनके जीवन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण चिन्ह, इसके विषय में हम लोग स्टडी करेंगे इस पूरे वीडियो में। देखते दोस्तों, बुद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो बुद्ध धर्म के संस्थापक थे महात्मा बुद्ध, जिन्हें हम लोग गौतम बुद्ध के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन बन जाएगा दोस्तों, महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम बताइए, सिद्धार्थ। तो इसे आप लोग सिद्धार्थ गौतम बुद्ध के नाम से भी याद कर सकते हैं, ताकि वो क्वेश्चन हमारा वहाँ से ठीक हो जाए। दूसरा क्वेश्चन दोस्तों, सिद्धार्थ के जन्म का समय बताइए। तो 563 BC ईसा पूर्व, छठी शताब्दी ईसा पूर्व के मध्य में जन्म हुआ था महात्मा बुद्ध जी का लुम्बिनी नेपाल में। तो अगर पूछा जाए बुद्ध धर्म की जननी नेपाल दोस्तों, परंतु बुद्ध धर्म की पालन पोषण की भूमि भारत। बुद्ध धर्म का उद्भव हुआ था नेपाल से, लेकिन उत्कर्ष और चरम मिलेगा भारत में आकर। वहीं पे दोस्तों क्वेश्चन बन जाता है, बुद्ध महात्मा बुद्ध की माता का नाम महामाया। महामाया जो थी महात्मा बुद्ध को जन्म देने वाली माता थी। तो दोस्तों, क्योंकि महामाया जी की मृत्यु प्रसव पीड़ा के 7वें दिन हो जाती है, तो महामाया ने केवल जन्म दिया था महात्मा बुद्ध को। तो क्वेश्चन बन जाएगा, महात्मा बुद्ध के जन्म देने वाली माता एवं महात्मा बुद्ध को पालने वाली माता। तो दोस्तों पालन पोषण के लिए हम लोग देख सकते हैं, पालन पोषण के लिए बनेगा प्रजापति गौतमी। इस क्वेश्चन को HSSC और SSC बार बार रिपीट करता है अपने शब्दों को चेंज कर कर। देखिए कैसे, महात्मा बुद्ध की सौतेली माता प्रजापति गौतमी, महात्मा बुद्ध का लालन पालन करने वाली माता प्रजापति गौतमी। अपने किस माता से महात्मा बुद्ध ज़्यादा प्रभावित थे? इसका भी उत्तर दोस्तों प्रजापति गौतमी ही बनता है। महात्मा बुद्ध के पिता का नाम शुद्धोधन। शुद्धोधन जो था शाक्य गणराज्य का प्रधान था दोस्तों। तो हमारे लिए क्वेश्चन बन जाता है, सिद्धार्थ के पिता किस गणराज्य के प्रधान थे? शाक्य गणराज्य, जो कि नेपाल में विद्यमान था। जन्म के उपरांत महात्मा बुद्ध के भाई का नाम भी कई पूछ लिया जाता है दोस्तों। तो भाई का नाम आप लोग नोट कर सकते हो देवदत्त के रूप में, और देवदत्त ने महात्मा बुद्ध को मारने का प्रयत्न भी किया था। अपने जीवन में आगे बढ़ते हुए देखते हैं महात्मा बुद्ध के विषय में उनकी पत्नी का नाम। तो दोस्तों यहाँ पर नाम देखने को मिलेगा यशोधरा। जी हाँ, ऐसा ही एक नाम हमें देखने को मिलेगा यशोदा का। तो यशोदा जी जो है महावीर स्वामी की पत्नी है। तो ये महावीर स्वामी और महात्मा बुद्ध दोनों महापुरुष एक दूसरे के कंटेम्प्रेरी समकालीन रहे थे। महात्मा बुद्ध के पुत्र का नाम राहुल। उनके जीवन की प्रमुख घटनाएं दोस्तों जैसे कि गृह त्याग। तो अपने सांसारिक जीवन को त्याग कर कर महात्मा बुद्ध ने अपने गृह त्याग की अवस्था का समय था 29 वर्ष। क्वेश्चन किस प्रकार बनेगा? क्वेश्चन बन जाएगा दोस्तों, महात्मा बुद्ध ने गृह त्याग की अवस्था के समय उनकी आयु बताइए। तो 29 वर्ष। 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग कर चुके थे, पहले दीक्षा ली थी दोस्तों। उनके पहले गुरु का नाम है आलर कलाम। आलर कलाम महात्मा बुद्ध के पहले गुरु के रूप में रहे थे। आलर कलाम जी सांख्य दर्शन की विधा से संबंधित हैं। उन्होंने महात्मा बुद्ध जी को सांख्य दर्शन का ज्ञान दिया था। उसके उपरांत महात्मा बुद्ध संतुष्ट नहीं होते हैं और तपस्या के लिए चले जाते हैं, और तपस्या का समय रहता है 6 वर्ष का दोस्तों। कहाँ पर तपस्या की थी? निरंजना और फल्गु, ये एक ही नदी के नाम है। इस नदी के किनारे पीपल के पेड़ के नीचे। तो क्वेश्चन बन जाएगा दोस्तों, गृह त्याग के समय आयु 29 वर्ष, तपस्या का समय 6 वर्ष, तो कुल मिलाकर ज्ञान प्राप्ति की आयु कितनी हो जाती है हमारे यहाँ पर? 35 ईयर। 35 वर्ष की आयु में उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो चुकी थी, और ज्ञान की प्राप्ति के बाद ही सिद्धार्थ को बोला जाएगा बुद्ध।
बुद्ध का अर्थ होगा दोस्तों ज्ञान प्राप्त व्यक्ति। देखते हैं दोस्तों इससे आगे, इसके बाद अगर पूछ लिया जाए हमारे एग्जाम में महात्मा बुद्ध की जीवन की घटना में पीपल का क्या महत्व है या पीपल का निशान कहाँ इस्तेमाल किया जाता है, तो पीपल दोस्तों उनकी ज्ञान प्राप्ति का निशान बन जाता है। उसी प्रकार ग्रह त्याग की अवस्था का जो निशान है दोस्तों उसे घोड़े से डिफाइन किया जाता है। क्वेश्चन बनेगा घोड़ा का जो निशान है महात्मा बुद्ध के जीवन की किस घटना को व्याख्यित करता है, तो ग्रह त्याग की अवस्था को। इसे इस प्रकार भी कर सकते हैं महात्मा बुद्ध ने घोड़े पर बैठकर ग्रह त्याग किया, तो ग्रह त्याग की अवस्था घोड़े से। दोस्तों महात्मा बुद्ध के जीवन का पहला उपदेश, तो महात्मा बुद्ध ने अपने जीवन का पहला उपदेश दोस्तों धर्म चक्र परिवर्तन की घटना के रूप में दिया था, और ये प्रदान किया था उन्होंने कहाँ पर, सारनाथ में। तो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बार रिपीट हुआ है ये आप लोगों के लिए, सारनाथ महात्मा बुद्ध के जीवन के किस प्रकार संबंधित है, तो उनके जीवन का पहला उपदेश जिसे हम लोग जानेंगे धर्म चक्र परिवर्तन के रूप में। और दोस्तों पूछ लिया जाएगा धर्म चक्र परिवर्तन का निशान क्या है, तो आप लोग देख सकते हो चक्कर जो बनेगा वो धर्म चक्र परिवर्तन का निशान बनता है, चक्र के रूप में दिखाया जाएगा धर्म चक्र परिवर्तन। पहला उपदेश सारनाथ, परंतु सर्वाधिक अपने जीवन के सबसे ज़्यादा उपदेश महात्मा बुद्ध जी ने कहाँ दिए थे, सर्वस्ती में। दोस्तों ये टॉपिक हमारा चल रहा है महात्मा बुद्ध जी के विषय में। इसके अतिरिक्त हमारे YouTube चैनल विजयपथ पर सारी वीडियो आप HSSC के लिए फॉलो कर सकते हो, ग्रुप डी और हरियाणा पुलिस के एग्जाम्स के लिए फॉलो कीजिए। जिन दोस्तों ने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को वो भी सब्सक्राइब कर लीजिए। देखते हैं आगे अनुयायी शासकों के विषय में, तो बुद्ध धर्म का पालन करने वाले शासकों में सबसे पहले दोस्तों अजातशत्रु, अशोक का, काल अशोक और कनिष्क। दोस्तों ये वही नाम है जो आगे चलकर हमारे दूसरे पार्ट में जाकर देखेंगे बौद्ध संगतियों का आयोजन करेंगे, तो ऑर्डर बन जाएगा। पहली बौद्ध संगति का आयोजन अजातशत्रु, दूसरी बौद्ध संगति का आयोजन अशोका, दूसरी का कालाशोक। इस ऑर्डर को वेरीफाई कर लीजिए दोबारा एक बार, किस प्रकार बनेगा, पहली बौद्ध संगति अजातशत्रु, दूसरी बौद्ध संगति काल अशोक, तीसरी बौद्ध संगति अशोका और चौथी बौद्ध संगति कनिष्क। ये ऑर्डर में चेंज है दोस्तों, वेरीफाई करेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, वहां पर आपको बताया जाएगा बौद्ध संगति के विषय में। तो सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि इसी रफ्तार से हम लोग आगे जाएंगे HSSC के एग्जाम्स में आपके नंबरों को पक्का करने के लिए। देखते हैं दोस्तों महात्मा बुद्ध साहब की मृत्यु का समय, 80 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु हुई थी, इसे बुद्ध धर्म में लिखा जाता है महापरिनिर्वाण। तो पूछ लिया जाएगा महात्मा बुद्ध जी का महापरिनिर्वाण कब प्राप्त हुआ, 483 BC में। और यही वो ऐतिहासिक समय रहेगा दोस्तों जब पहली बौद्ध संगति का आयोजन करेगा अजात शत्रु राजगृह में। देखते हैं दोस्तों मगध का शासक उस समय जब महात्मा बुद्ध जी अपने चरमोत्कर्ष पर थे, शीर्ष पर थे, तो अजात शत्रु था। 483 में ही पहली बौद्ध संगति का आयोजन किया जाएगा। ये कुछ जानकारी दोस्तों हमारी महात्मा बुद्ध जी के विषय में। इसके अतिरिक्त आप लोग करंट अफेयर के लिए, हरियाणा जीके के लिए, मैथ, रीजनिंग सभी विषयों में उच्च क्वालिटी के शिक्षकों से पढ़ने के लिए सब्सक्राइब कर सकते हो। दोस्तों आपके सुझाव नीचे कमेंट में भेज सकते हो। इसी विषय के PDF और मटेरियल प्राप्त करने के लिए भी आप नीचे दिए लिंक को फॉलो कर सकते हो। तो जिन दोस्तों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसे शेयर भी जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद।